भारत दुनिया के खिलौने के निर्यात का पावर हाउस बनता जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश के खिलौने उद्योग की जमकर तारीफ की। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पहले भारत सिर्फ 300 से 400 करोड़ रुपए के खिलौनों का निर्यात करता था, जो आज ये बढ़कर 2600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हर रोज वोकल फॉर लोकल की गूंज है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मैंने पहले भारत के बारे में ये बात कही थी कि खिलौनों के निर्यात में देश एक पावर हाउस बनने की क्षमता रखता है। भारतीय खिलौना उद्योग ने ऐसी सफलता हासिल की है जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। वोकल फॉर लोकल की गूंज आज हर ओर सुनाई दे रही, खिलौना उद्योग इस बात की गवाही दे रहा। तो वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में खिलौना आयात में 70% की कमी आई है, जबकि निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 61% की बढ़ोतरी की गई है। मेक इन इंडिया मुहिम इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक रही है। पहले भारत में करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों का आयात होता था, जिसमें बड़ी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए बेहद खुशी की बात करार देते हुए कहा कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। ये दुनिया जानती है कि भारत में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है और इसके कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौना बनाने में महारत रखते हैं। भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं, तब से भारत के कुछ क्षेत्र में टॉय क्लस्टर यानी खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। सोचने की बात यह है कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। ये इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन भारत का इसमें बहुत कम हिस्सा था और इसीलिए भारत अब इसमें भागीदारी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा। खिलौनों के साथ भारत दो चीजें आसानी से कर सकता है। एक तो भारत अपने गौरवशाली अतीत को जीवन में एक बार फिर से उतार सकेगा, दूसरा यह कि भारत अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकेगा। यही वजह है कि पीएम ने इस बात पर बल देते हुए कहा था कि वे अपने स्टार्टअप मित्रों से कहना चाहेंगे कि टीम अप फॉर टॉयज, अब हम सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। फिलहाल भारतीय बाजार में चीन के खिलौनों का जो बोलबाला था वो अब खत्म हो सकता है, क्योंकि गलवान घाटी में तनाव के बाद चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चरम पर थी। इस मुहिम की वजह से चीन के खिलौनों की भी डिमांड में कमी आई है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ गई है और यही वजह है कि मोदी सरकार भी अब खिलौनों के उत्पादन को घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ाने वाली है। चीन भारत में खिलौनों का कच्चा माल और यहाँ तक कि खिलौनों को बनाने वाले उपकरणों को भी सस्ते में बेचता रहा है। चीन भारतीय बाजारों में खिलौना बेचने का धंधा करते करते भारत की अखंडता के साथ खेल करने के इरादे से उतरा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत से उसे चुनौती मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।